राज्य स्तरीय ऐतिहासिक शूलनी मेले के समापन समारोह में हजारों लोगों ने शिरकत की। ठोडो मैदान में तिल रखने तक भी जगह नहीं बची थी, लेकिन उसके बावजूद भी शूलनी मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। शूलनी मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में खेल मंत्री गोविंद ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और ग्रेट खली ने बतौर विशिष्ट अतिथि मेले में शिरकत की। सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर ने एक के बाद एक बेहतरीन गीत प्रस्तुत किए, जिस पर युवाओं ने जमकर धमाल किया और नाचने पर मजबूर कर दिया। वहीं हिमाचली कलाकारों ने भी बेहतरीन समा बांधा। खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने शूलनी मेले के समापन समारोह पर हिमाचल वासियों को बधाई दी और कहा कि शूलनी मेला एक ऐतिहासिक मेला है और बघाट के राजा इस मेले को इसलिए मनाते थे ताकि सोलन वासियों पर कोई संकट न आए, और तब से ही इस परंपरा को विधिवत रूप से मनाया जा रहा है। इसीलिए सोलन वासी सभी संकटों से सुरक्षित हैं और सोलन दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। शूलनी माता के नाम से जो मेला बनाया जाता है, इस पर शुभ अवसर पर और आज ये समापन का दिन है और इसके समापन दिवस पर मुझे आने का मौका मिला है, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि माता शूलनी की अपार कृपा हम सब पर हुई है। और इस मेले के समापन अवसर पर मैं सोलन के सभी बहनों भाइयों को और प्रदेश के सभी बहनों भाइयों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये कहा गया है कि राजा इसलिए इस मेले को बनाते थे ताकि किसी प्रकार का कोई संकट यहाँ पर ना आए, तो ठीक, माता की कृपा ऐसी बनी रहेगी और सब लोगों को सुख देगी, संपत्ति देगी, वैभव देगी और सब लोग प्रसन्न रहेंगे।